बच्चों, हम लोगों ने ग्रेविटेशन तक कर लिया था। आप लोगों ने अभी तक ग्रेविटेशन के डाउट्स नहीं पूछे हैं, ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस में से भी आपने डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। जल्दी जल्दी करिए और तेज स्पीड से डाउट पूछिए, समय तो देना ही पड़ेगा। चलिए, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। इस रोटेशनल डायनामिक्स में ही मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ाऊंगा और इसी में मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा, है ना। तो आप देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास चैप्टर। तो आपका, आप इसको लिख सकते हैं चैप्टर नेम, रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सेंटर ऑफ मास। देखिए, सेंटर ऑफ मास तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन इसको फील करना सीखो, महसूस करना सीखो। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि सर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास होता है, बस दैट्स ऑल। क्या चीज है? हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है, सेंटर ऑफ मास होता है। आप महसूस करिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है। जैसे मैं हूं, तो मेरे शरीर का सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है? स्टोमेक में कहीं, है ना। वही चीज है, वही चीज है सेंटर ऑफ मास। तो देखिए, मैं कुछ यहाँ पर दो चार केसेज करूंगा, उसके बाद आपको उसकी फीलिंग आ जाएगी समझ में कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मान लो मेरे पास ये स्क्वायर है। अगर इस स्क्वायर का मास 1 किलोग्राम है, इफ मास ऑफ दिस स्क्वायर इज 1 किलोग्राम, देन ऑब्वियस इट्स सेंटर ऑफ मास इज हियर, इट इज वेरी ऑब्वियस, करेक्ट। स्क्वायर का मास 1 किलोग्राम है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम इस पॉइंट पर है। ओके, अब ये 1 किलोग्राम तो इस पॉइंट पर है। अगर मैंने एक 1 किलोग्राम यहां रख दिया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा? इट्स वेरी ऑब्वियस कि भाई ये 1 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है, तो सेंटर ऑफ मास शायद यहाँ एग्जैक्ट मिड में आ जाएगा, है ना, राइट। ओके, अब अगर मैं 1 किलोग्राम यहां रख दूं, तो एक और रख दिया, एक और रख दिया, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो देखिए, अब मैं यहां पर 3 पॉइंट बना रहा हूं, है ना, और फिर हम डिसाइड करेंगे। 3 पॉइंट में अलग अलग कलर से बनाऊंगा, आप जरा कलर्स को जो है ना, तीनों पॉइंट्स को चेक करना कि वेयर शुड बी द सेंटर ऑफ मास। एक पॉइंट में बना रहा हूं इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, दिस इज पॉइंट 1। एक पॉइंट में बना रहा हूं इधर, अलग कलर से बनाए लीजिए जी। तो एक पॉइंट मैंने बना दिया यहां पर और एक पॉइंट मैंने बना दिया उधर की तरफ थोड़ा सा। अब आपको सोचना है कि सेंटर ऑफ मास किधर होगा, कौन सा आएगा नया सेंटर ऑफ मास। तो देखिए जरा, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करते हैं हम। पहले हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर का मास 1 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम मास था, तो यहां सेंटर ऑफ मास था। फिर हमने 1 किलोग्राम यहां रख दिया, सेंटर ऑफ मास केम हियर, राइट। ओके, अब मैंने एक 1 किलोग्राम यहां रख दिया, सेंटर ऑफ मास इधर दिस और दिस और दिस, व्हाट शुड बी, सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट नहीं होना चाहिए निश्चित रूप से, सेंटर ऑफ मास इसको भी नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए इसको। व्हाई? बिकॉज मोर मास इज दिस साइड, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 किलोग्राम, तो भाई मोर मास की तरफ सेंटर ऑफ मास होगा, जिधर ज्यादा मास होगा उधर सेंटर ऑफ मास होगा, करेक्ट, राइट। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास इधर होगा, कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, दैट इज मैटर ऑफ कैलकुलेशन। आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना, वो मैं बता दूंगा आपको बाद में। ये 1 किलोग्राम सेंटर है, ये 1 आ गया। अब मैं, मेरे पास में एक 2 किलोग्राम और है, तो वेयर शुड आई पुट दिस 2 किलोग्राम सो दैट सेंटर ऑफ मास कैन कम अगेन एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो मुझे सेंटर ऑफ मास वापस सेंटर ऑफ स्क्वायर पर चाहिए, तो पता है मैं क्या करूंगा, 2 किलोग्राम को यहां रखूंगा। अब पता है ये 1 और 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर सेंटर ऑफ मास यहां आएगा दोनों का, तो इट इज वी कैन से दैट कंबाइनिंग दिस एंड दिस 2 किलोग्राम इज हियर एंड दिस 2 किलोग्राम इज हियर,
So this 2 kilogram will have center of mass here. So now here it will become total 1 plus 1 plus 2, 4 and plus 1, 5 kilogram. मेरे को लगता है सेंटर ऑफ मास की फीलिंग आ गई आपको, समझ में आ गया। चलिए अब हम मैथमेटिक्स पर आते हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये देखिए मैथमेटिक्स में मैं ज्यादा टाइम नहीं खर्च करूंगा, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा तेज स्पीड से ले जाऊंगा, आप पकड़ने की कोशिश करना। मैथमेटिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लीज थोड़ा सा बातों को जो है ना कैच करिए। मैथमेटिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे मान लो हमारे पास कोई वाई एक्सिस है, कोई एक्स एक्सिस है, कोई जेड एक्सिस है, राइट। बहुत सारे पार्टिकल्स, अब इन पार्टिकल्स के अलग अलग मासेज हो सकते हैं, अलग अलग पोजीशन हो सकती है, अलग अलग लोकेशंस हो सकती है, राइट। तो आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, मैं कह रहा हूं एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास को मैं बोलूंगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम एन एक्स एन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन, ये आपका सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। आप समझ गए होंगे मेरी बात, है ना, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है समझने की, है ना। वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास आएगा एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम एन वाई एन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन, ये y सेंटर ऑफ मास है, जेड सेंटर ऑफ मास। तो बहुत ही क्लियर है, जेड सेंटर ऑफ मास भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ध्यान दो। जेड सेंटर ऑफ मास m1 z1 प्लस लाइकवाइज mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, राइट। ओके, अब ये आपका सेंटर ऑफ मास की मैथमेटिक्स मैंने आपको बता दिया। ओके, यहां पर पता मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा सिग्मा एम एक्स अपॉन सिग्मा एम, राइट। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा एम वाई अपॉन सिग्मा एम, है सिग्मा एम वाई अपॉन सिग्मा एम, राइट। यहां पर मैं लिखूंगा सिग्मा एम जेड अपॉन सिग्मा एम, करेक्ट। ओके, देखिए आर वेक्टर को हम क्या कहते थे, r वेक्टर को हम कहते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हम r वेक्टर को कहते थे। अगर मैं अलग अलग पार्टिकल्स के वेक्टर्स r1, r2, r3, rn ले लूं और फिर मैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूं, तो मैं कैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूंगा। देखो r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस mn rn अपॉन वही वही कहानी कोई जोरदार बात नहीं, बहुत जोरदार बात, एम आर वेक्टर अपॉन सिग्मा है, ये आपका आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर है। अगर आर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन हो तो, ओरिजिन हो तो देखिए, इफ इफ ओरिजिन इटसेल्फ, इफ ओरिजिन इटसेल्फ इज सेंटर ऑफ मास, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इफ ओरिजिन इटसेल्फ इज सेंटर ऑफ मास, देन आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। तो हम कहेंगे कि सिग्मा एम आर वेक्टर अपॉन सिग्मा एम इज जीरो, इज जीरो। तो मैं इसको कह दूंगा कि सिग्मा एम आर वेक्टर जीरो, कब, जब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन हो तब, राइट। आपको मैं यहां एक टर्म बताना चाहता हूं, एम आर वेक्टर इट इज कॉल्ड मास मोमेंट, इसका नाम क्या है, एम आर वेक्टर का नाम है मास मोमेंट, मास मोमेंट। अब आपको मैं यहां एक स्टेटमेंट देता हूं और ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार I have seen this statement in many exams. तो आपको इस statement को पकड़ लेना चाहिए, बार बार आता है, repeatedly आता है, यानी कभी statement type questions में आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो देखिए आप पकड़िए इसको, क्या है बात,
सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी और ऑफ एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और ऑफ एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज सच अ पॉइंट अबाउट विच टोटल मास मोमेंट इज जीरो. ये है सेंटर ऑफ मास की फंडामेंटल मैथमेटिकल डेफिनेशन. ठीक है, क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी और ऑफ एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज सच अ पॉइंट अबाउट विच टोटल मास मोमेंट इज जीरो. ये आपका कंसेप्ट है यहाँ पर, राइट. अच्छा, अब हम इसके बाद में सेंटर ऑफ मास का जो है ना इंटीग्रल फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म पे बात करेंगे, और डिफरेंशियल फॉर्म पे बात करके फिर हम टू पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे, राइट. सो आई एम डूइंग दैट, वेट प्लीज. तो देखिए, हम बात कर रहे थे मैथमेटिकल डेफिनेशन की सेंटर ऑफ मास की, तो अपन जरा उसी पर बात करें. तो देखो, आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर, इसको हमने लिखा सिग्मा एम आर वेक्टर अपॉन सिग्मा है. अब मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में आपको लिखकर बताता हूँ. डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होगा कि आप कोई बॉडी है उसके छोटे 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 टुकड़े करेंगे, पीसेज करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जिससे आपको इजी लगे कि सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा बॉडी का, है ना. ऐसा कार्यक्रम हम करेंगे. तो देखिए, इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन आर डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, बस ये आपकी डेफिनेशन है. अब अगर x सेंटर ऑफ मास चाहिए तो आप कर देंगे इंटीग्रेशन x डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम. लाइकवाइज y सेंटर ऑफ मास चाहिए तो आप समझ गए मेरी बात, है ना. y सेंटर ऑफ मास चाहिए तो इंटीग्रेशन y dm upon integration dm. I will take few examples to make it clear. तो ये चीजें आपके लिए हैं. अब हम बात करेंगे center of mass of two particle system, dual particle system. ये एक्चुअली बहुत important है क्योंकि इससे हमारे काफी सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं. dual particle system, जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ है m1 और एक पार्टिकल यहाँ है m2. ये मान लो सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं यहाँ है सेंटर ऑफ मास, सपोज एम वन इज हेवियर, है ना. आई एम जस्ट गोइंग टू सपोज दैट सेंटर ऑफ मास इज दिस, राइट. दिस डिस्टेंस इज आर वन एंड दिस डिस्टेंस इज आर टू. ओके, अब टोटल डिस्टेंस है आर बराबर क्या, आर वन प्लस आर टू. ये आपका टोटल डिस्टेंस है, राइट. अब मैं कहूंगा कि इसके अंदर हमारा डेफिनेशन क्या थी सेंटर ऑफ मास की, हमारी डेफिनेशन थी सेंटर ऑफ मास की सिग्मा एम आर वेक्टर बराबर जीरो, सिग्मा एम आर वेक्टर बराबर जीरो. अब देखिए, मैं इसको लिखूंगा सिग्मा सॉरी एम आर वेक्टर, ना यहाँ तो दो ही पार्टिकल है, दो ही पार्टिकल है, मैं लिखूंगा एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर इट इज इक्वल टू जीरो. अब मैंने इसको सेंटर ऑफ मास माना है तो आर वन नेगेटिव है आर टू पॉजिटिव है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस एम वन आर वन प्लस एम टू आर. आपको अगर सेंटर ऑफ मास से दो पार्टिकल्स की डिस्टेंसेज दे रखी हैं आर वन आर टू तो यू कैन गेट एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर टू. नाउ लुक ओवर हियर, प्लीज कम. तो ध्यान दो, R इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2 टोटल डिस्टेंस था, तो मैं लिख सकता हूँ R2 बराबर R माइनस R1. चेक कर लेते हैं, M1 R1 इक्वल टू M2 R2, तो M2 R2 बराबर R माइनस R1. चेक करिए, M1 R1 प्लस M2 R1 इक्वल टू M2 R. So R1 is M2 R upon
एम वन प्लस एम टू है ना। हाँ तो आप थोड़ा सा इसको चेक करिए, अपॉन एम वन प्लस एम टू ये आपका आर वन आ गया, जब ये आर वन आ गया तो लाइक वाइज यू विल गेट आर टू, एम वन आर अपॉन एम वन प्लस एम टू राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप जो है ना ड्यूअल पार्टिकल सिस्टम का आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए ये जैसे एक स्क्वायर है राइट, और ये मान लीजिए एक क्या है डिस्क है, मान लो ये स्क्वायर है और ये डिस्क है, तो इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां। अब हमें सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में लोकेट करना है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो स्क्वायर है इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, और ये जो डिस्क है इसकी साइड, इसका डायमीटर ए है। मान लो ऐसा है कि स्क्वायर की साइड ए है और डिस्क का डायमीटर ए है, ये आपका पॉइंट वन है, ये आपका पॉइंट टू है, सेंटर है, इसका सेंटर और इसका सेंटर। मैं बताऊं अगर हमें इसका मास पता लग जाए, इसका मास पता लग जाए है ना, तो हम सेंटर ऑफ मास बड़े आराम से निकाल देंगे। मैं आपको सब जरा मास के बारे में बता दूं, अगर इनकी थिकनेस सेम है तो मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया आता है, मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया आता है। जब मास प्रोपोर्शनल टू एरिया है तो मैं कहूंगा मास ऑफ स्क्वायर अपॉन मास ऑफ डिस्क, एस फोर स्क्वायर डी फोर डिस्क, ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन, क्योंकि स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर करेक्ट, इसका एरिया जो आएगा डिस्क का वो आएगा पाई ए बाई टू का होल स्क्वायर। आप इस फोर को ऊपर ले जाइए टू का है, तो ये आ जाएगा फोर अपॉन पाई, ये आपके मास रेशियो आ गया जी, फोर अपॉन पाई आपका मास रेशियो आ गया। अच्छा जब आपके पास में 4 अपॉन पाई मास रेशियो आ गया, देखिए हम और क्या कर सकते हैं। अब हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, सेंटर ऑफ मास कहां से चाहिए, किस जगह से चाहिए, उसकी कोई लोकेशन सेट करनी पड़ेगी। मान लो वी डोंट नो सेंटर ऑफ मास कहां है, लेकिन एक बात पक्का है कि ये डिस्क है और ये स्क्वायर है, मुझे ये जरूर लग रहा है कि इसका मास ज्यादा है, और वो वहां से क्लियर भी है। देखो मास ऑफ स्क्वायर अपॉन मास ऑफ डिस्क 4 अपॉन पाई इज ग्रेटर देन 1, तो इट इज वेरी क्लियर दैट मास ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन मास ऑफ डिस्क। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर ऑफ मास स्क्वायर के सेंटर के नजदीक होगा, यानी इन दोनों का कंपोजिट सेंटर ऑफ मास शायद यहां कहीं आएगा राइट। मैं एक काम करता हूं, यहां से इस डिस्टेंस को एक्स वन मान लेता हूं, इस जगह से एक्स वन मान, तो भाई यहां से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, इसको मैंने x1 मान लिया इस डिस्टेंस को, तो नेचुरल है कि दिस विल बी 2a, नहीं सॉरी सॉरी a by 2 तो ये है और a by 2 ये है, तो a माइनस x1 आ जाएगा, a माइनस x1 करेक्ट। हाँ क्योंकि इसके सेंटर से ये a by 2 वो a by 2 दोनों मिलके a माइनस x1 आ जाएगा, वहां से आ जाएगा। बस अब हमारा काम हो गया, एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर टू, तो मैं लिख दूंगा एम एस। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर हमें बड़ा ये मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, स्क्वायर अपॉन डिस्क 4/5 है, तो मैंने इसको एम वन को 4 लिख दिया, वैसे ही 4/5 है ना, इसको मैंने एम लिख दिया, और एक्स वन को एक्स वन लिख दिया, और एम टू को क्या लिख दिया, एम टू को पाई लिख दिया, और आर टू क्या लिखे ए माइनस एक्स वन। बस अब मैंने एक्स वन निकाल दिया, आप जरा चेक करेंगे 4 + π इंटू एक्स वन बराबर पाई इंटू ए, तो आपका एक्स वन आ गया पाई इंटू ए अपॉन 4 + π। ये आपका एक्स वन कहाँ से आया, सेंटर ऑफ स्क्वायर से आया। कभी कभी क्या करते हैं वो एग्जाम वाले इस एज से यहां तक की पूछ लेते हैं डिस्टेंस, अगर ये वाली पूछ लेते हैं तो मान लो ये एक्स टू है, पता है x2 कितना होगा, x2 होगा a by 2 minus x1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा राइट। ये आपका देखिए टू पार्टिकल सिस्टम के कारण जो है ना मास, सेंटर ऑफ मास निकालना है, बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जिनका सेंटर ऑफ मास आपको
निकालना होगा। ठीक है, मैं फिलहाल आपको जो है ना कुछ एक दो क्वेश्चन दे देता हूं। एक क्वेश्चन को आप नोट करिए। मान लो मेरे पास में ये डिस्क है, ये क्या है? डिस्क, राइट? नेचुरली अगर डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास है ना। अब मैं इस डिस्क में से एक ये वाली डिस्क काट देता हूं, है ना, ये वाली डिस्क काट देता हूं। ध्यान दीजिए, ये जो डिस्क थी एक्चुअल डिस्क, उसकी रेडियस आर थी। मैंने ये वाली डिस्क यहां से कट कर दी है, इसकी रेडियस आर बाई टू है, राइट? अब आपका जो रिमेनिंग डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। ठीक है, तो एच सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क, नेचुरली इट विल कम हियर अबाउट, है ना, ये यहां पर कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा। आप ये डिस्टेंस अपने आप निकालिए, एक्स इक्वल टू आर निकालते हैं, ये आपका एक्स सेंटर ऑफ मास आ गया। ओके, फिर आप ऐसा करिएगा, अगर ये कटी हुई डिस्क को मैं यहां ला करके इस साइड में जोड़ दूं, बड़ी डिस्क को यहां, एक मिनट जरा मैं डायग्राम ठीक से बनाने का प्रयत्न करूं। देखो बड़ी डिस्क तो यहां है ना, इस बड़ी डिस्क में से ध्यान दीजिए, इस बड़ी डिस्क में से मैंने ये डिस्क काट दी। अब ये कटी हुई डिस्क को मैंने इसके एग्जैक्ट इधर वेल्डिंग कर दी, कटी हुई डिस्क को वहां से काट कर यहां जोड़ दिया। अब न्यू सेंटर ऑफ मास निकालिए, कहां आएगा, है ना, शायद यहां कहीं इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, ये मास सारा इधर आ गया तो शायद यहां कहीं हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। मान लो इस डिस्टेंस को मैं एक्स वन कह देता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं एक्स टू कह देता हूँ, ये दोनों बात निकालिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हमने डिस्क ली है, आपके एग्जाम में हो सकता है ये स्क्वायर, वो सॉरी स्फीयर लेकर के आए, है ना, हाँ, ये डिस्क भी हो सकता है और स्फीयर भी हो सकता है। मास वास कुछ नहीं दिया है, डिस्क को काटा है, निकाला है, पहला काम। ऐसा ही आपके स्फीयर के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, स्फीयर लिया और स्फीयर के अंदर से एक आधी रेडियस वाला स्फीयर निकाल के बाहर कर दिया, फिर उसको दूसरी साइड में जोड़ दिया, समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन स्फीयर के लिए भी बन सकता है, आप करिए ये चीज, राइट, और आप सॉल्व करके जून सेशन में मेरे से पूछ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, यू कैन डिस्कस दिस थिंग इन जून सेशन, राइट? ओके, अब हम थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास पर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने सेंटर ऑफ मास की इतनी सारी बातें की ना, तो मैं जरा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बातें भी कर लूं। देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हमेशा होता है, इसको जो मतलब हो जाता है ना, सिग्मा एम बी वेक्टर अपॉन सिग्मा, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। इसको आप कह सकते हैं वी डी एम अपॉन डी एम, वेक्टर लगाना जरूरी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। ओके, इसी तरीके से आप एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, नेचुरली इट विल बी सिग्मा एम ए वेक्टर अपॉन सिग्मा एम डी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए वेक्टर डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, इट इज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, अलग अलग पार्टिकल का एक्सीलरेशन पता है, तो आप सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन और सेंटर ऑफ मास की वो कर सकते हैं। यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, वो ये है, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो ध्यान दीजिए, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कॉन्स्टेंट फिक्स, कॉन्स्टेंट और फिक्स, ये बदले नहीं साफ बार बार। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी
और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देन वेलोसिटी ऑफ मास इज कांस्टेंट और फिक्स। और ये जो है कांस्टेंट होती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बदलती नहीं है अगर नेट फोर्स जीरो है। तो आप चेक कर लीजिए, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास कैसे फिक्स रहता है, कैसे ये बदलता नहीं। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं भले ही, इससे तो फर्क नहीं पड़ता, नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, वेरिएबल नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं इफ एफ इज जीरो देन V center of mass is fixed। अच्छा, अब मैं यहां पर आकर के एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये दोनों चीजें कि velocity of center of mass भी जीरो, if initially V center of mass is zero and F is zero, दोनों ही जीरो है, then तो फिर center of mass rest पर ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, है ना। Then the center of mass will remain at rest. Then no motion of center of mass will take place whatever be, will take place. Zero ही होगी साहब, हमेशा हमेशा की velocity zero होगी अगर external force zero है। ठीक है, देखिए कैसे मैं बताता हूं। मान लीजिए यहां पर कोई बॉम्ब है, बॉम्ब। अब इसमें एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन होगा तो इसके पीछे जो है ना इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर मत पूछो किधर किधर चले जाएंगे। ये जो पीछे साहब चाहे जहां जाए इसका सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, किसी सूरत में चेंज नहीं, क्योंकि सारे फोर्सेज इंटरनल है, बॉम्ब के अंदर से फोर्स हुए हैं, बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, बाहर से तो हमने बॉम्ब रख दिया था फिर एक्सप्लोजन कर दिया, तो बॉम्ब रेस्ट पर था, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर ही रहेगा। अब देखिए मैं एक और एक एग्जांपल लेता हूँ, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये ग्राउंड है आपका, मैंने अगर यहां से एक बॉल फेंकी है और बॉल यहां आकर के गिर गई, तो ये हुई रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब अगर मान लो ऐसा होता कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द बॉल, है ना, मैंने अगर बॉम्ब फेंका होता तो क्या होता। फिर अगर मान लो मैंने बॉम्ब फेंका और बॉम्ब का आधा टुकड़ा, बॉम्ब मान लो यहां आके एक्सप्लोड हो गया, सपोज यहां से फेंका हाईएस्ट पॉइंट पर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोजन में क्या हुआ कि आधा टुकड़ा कहीं चला गया और आधा टुकड़ा कहीं चला गया। अब मैं आपको बताऊं साहब, चाहिए आधा टुकड़ा कहीं भी गया हो और वो आधा टुकड़ा कहीं भी गया हो, ये आधा टुकड़ा जहां मर्जी चला जाए, वो आधा टुकड़ा जहां मर्जी चला जाए, लेकिन एक बात पक्की होगी, ये सेंटर ऑफ मास में ही रहेगा, दिस विल बी द फाइनल सेंटर ऑफ मास, चाहे जो हो जाए। अगर मान लो आधा टुकड़ा यहां आ गया वापस से, तो फिर जो आधा टुकड़ा है ना वो पता है कहां जाएगा, यहां से कैपिटल आर डिस्टेंस पर जाएगा, जिससे कि सेंटर ऑफ मास यहां रह सके। अनएक्सप्लोडेड कंडीशन में जो सेंटर ऑफ मास था, कि जब बॉल का सेंटर ऑफ मास फाइनली आके गिरा था, वहां आके गिरेगा, जिससे कि सेंटर ऑफ मास यहां आ सके, जो भी हो। अब आपको कहां गिरेगा कहां नहीं गिरेगा वो एक अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है, अलग अलग सीन हो सकता है, लेकिन वो गिरेगा आपके पर्टिकुलरली उसी जगह पे जाके, करेक्ट। चलिए ये सब चीजें आ गई। अब हम है कुछ सेंटर ऑफ मास आपको रटवाना चाहते हैं, है ना, फ्यू सेंटर ऑफ मासेज ऑफ रेगुलर बॉडी, ये आपको रटना पड़ेगा साहब। देखिए आप बात कहेंगे आप कि सर डिराइव कैसे हुआ, वो तो मैं कर दूंगा, अगर आप कहेंगे तो आई विल डिराइव दिस, है ना, 11th क्लास में डिराइव करके बताया भी होगा आपको, सारी डेरिवेशन किए होंगे 11th में, है ना, लेकिन अब नहीं करेंगे हम डेरिवेशन, अगर आप कहेंगे तो जूम सेशन में कर देंगे, दैट इज नॉट बिग इश्यू, है ना। देखिए सबसे पहले सेमी सर्कुलर रिंग, हाँ
जी सेमी सर्कुलर रिंग, तो सेमी सर्कुलर रिंग की बात करूं तो ये आपका सेंटर ऑफ मास जो आएगा ना सेमी सर्कुलर रिंग, आप जानते हैं है ना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, मैं एक बना देता हूं फिर बाकी के लिए बनाऊंगा। ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग यहां है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा, दैट इज वाई सेंटर ऑफ मास है ना, इसको हम जीरो जीरो कर देते हैं। तो वाई सेंटर ऑफ मास आपका आएगा कितना, वाई सेंटर ऑफ मास आपका आएगा 2r/π। आप फॉर्मूला चार्ट देख लीजिए, मेरे पास फॉर्मूला चार्ट खुला हुआ है, 2r/π वाई सेंटर ऑफ मास करेक्ट। उसके बाद में सेमी सर्कुलर डिस्क नंबर टू, सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क की बात करो जी, डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा डिस्क का भी, हाँ जी डिस्क का भी डायग्राम तो ऐसा ही बनने वाला है, डायग्राम थोड़ी बदलने वाला है बिल्कुल। तो देखिए डिस्क का वाई सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, वाई सेंटर ऑफ मास जो डिस्क का आएगा वो आएगा 3 4r/3π, 4r/3 ये आपका वाई सेंटर ऑफ मास आएगा। नंबर थ्री, हेमी स्फेरिकल, सॉलिड हेमी स्फीयर है ना, सॉलिड हेमी स्फीयर और हेमी स्फेरिकल सेल, ठीक है, तो हेमी स्फेरिकल सेल, एक मिनट ध्यान दो, हेमी स्फेरिकल सेल, हेमी स्फेरिकल सेल अगर सेल है, खोखला सेल का मतलब खोखला, तो आपका वाई सेंटर ऑफ मास आएगा r/2। नेक्स्ट, अगर हम हेमी सॉलिड हेमी स्फीयर ले रहे हैं, सॉलिड हेमी स्फीयर, सॉलिड हेमी स्फीयर लेंगे तो आपका जो r आएगा, ये वाई सेंटर ऑफ मास जो आएगा ये आपका 3r/8 आएगा, 3r/8 कोण, अगर मान लीजिए आपका कोण है, कोण का मैं डायग्राम बना लेता हूँ, कोण ऐसा होता है सॉफ्टी जैसा, सॉफ्टी खाते हो ना, दैट इज कोण। अब आपने अगर ये मान लो इसकी रेडियस आर है और ये हाइट एच है, दिस हाइट है ना, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो h/4 आएगा, यहां से h/4 होगा, नीचे से, नीचे से h/4 होगा, ऊपर से 3h/4 नहीं, ये जो फॉर्मूला चार्ट में लिखा हुआ है ना ये गलत लिखा हुआ है ना, कोण का देखो फॉर्मूला चार्ट में 3h/4 लिख रखा है फ्रॉम बेस, आप इसे करेक्शन कर लीजिए, इट इज h/4 फ्रॉम, ये अब बेस इसको कहते हैं भाई, यहां से h/4 होगा, वहां से 3h/4 होगा, इसको आप कहिए 3h/4 फ्रॉम वर्टेक्स, इट इज बेटर टू राइट 3h/4 फ्रॉम वर्टेक्स, y सेंटर ऑफ मास From vertex, right? यह है आपका। तो ये चीज आपकी हो गई। अब देखिए, ये हमने सेंटर ऑफ मास की काफी सारी बातें कर रखी। अब आप एक काम करिए, ये जो डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक आप कंप्लीट कर लीजिए डू योर सेल्फ के। मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, है ना, जो कि मैं बता भी चुका हूं लेकिन थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं उसको। इफ f इक्वल टू 0 तो हमने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो 0। ये बात, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास और 0 होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके यहां पे इसके अंदर। तो पता है क्या करना है आपको, कि जैसे मान लो एक बर्फ है, बर्फ के ऊपर मान लो एक यहाँ पे, या मान लो पानी के ऊपर एक प्लैंक है, पानी के ऊपर एक प्लैंक है, प्लैंक पर एक आदमी यहां से चल के यहां आ गया, राइट, तो प्लैंक को उधराना पड़ेगा, आदमी यहां आ गया प्लैंक को उधराना पड़ेगा, कितना आना पड़ेगा, इतना आना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, 0 फोर्स है, आदमी अपना कर रहा है, वो अपना कर रहा है, दोनों के बीच आपस में क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, फ्रिक्शन फोर्स आदमी का लग रहा है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो एक अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, सो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो आपके पास में कोई लंबी चौड़ी कार्ड है और फ्रिक्शन लेस कार्ड है कि देयर इज नो फ्रिक्शन, अब आप यहां से लेकर वहां तक चले गए तो आपको कुछ मत करिए, आपको करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 रखना है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, बाकी गेम आपका है, बाकी गेम आपका है ना। डू योर सेल्फ के जो क्वेश्चंस हैं
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक। एक्चुअली में ये बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है 1 से लेकर 8 तक। आप अगर ये 8 सवाल कर लेंगे ना तो आप तो सेंटर ऑफ मास में कभी अटकोगे नहीं, करने का ट्राई करिए, जून सेशन में पूछ लीजिए। ये अगर आपने 8 सवाल कर लिए तो कभी भी सेंटर ऑफ मास में नहीं अटकेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे उसका कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, राइट? हाँ जी। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने है ना वो कर लिया था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मैंने दो टुकड़ों में करवाया था, काइनेमेटिक्स में करवाया था, डायनेमिक्स में करवाया था। इसका मतलब सर्कुलर मोशन आप जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको रोटेशनल मोशन के बारे में बताऊं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे रोटेशनल मोशन। एक्चुअली फंडामेंटली अगर हम बात करें तो मैं रोटेशनल मोशन को पता है क्या कहूंगा, रोटेशनल मोशन इज रियली कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सर्कुलर मोशन, इज अ रोटेशनल मोशन इज इन फैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सर्कुलर मोशन। हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सर्कुलर मोशंस, बहुत सारी सर्कुलर मोशंस का क्या है, कॉम्बिनेशन है फंडामेंटली, राइट? अब देखिए जैसे मान लो ये बॉडी है, अब अगर मान लो ये रोटेट हो गई है, रोटेट हो गई, इसके सारे पार्टिकल्स जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलग अलग रेडियस होगी, अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग रेडियस होगी। आपको बताऊं क्या होने वाला है, ओमेगा सबका सेम होगा, आर सबके अलग अलग होंगे, नॉट सेम, तो वी अलग अलग होंगे, वी वेक्टर वी नॉट वी से अलग अलग होंगे, क्योंकि वी बराबर ओमेगा आर लिखूंगा मैं, वी बराबर क्या लिखूंगा, ओमेगा आर लिखूंगा, जो कि अलग अलग होंगे सभी के, ठीक है? तो चलिए ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब हम कंपैरिजन करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन, राइट? तो चलिए जी, आपको टेबल बनानी है और ये समझ लो कि ये टेबल अगर आपको अच्छे से पकड़ में आ गई तो आपका रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर लगभग 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 समाप्त ही हो गया। हाँ जी, ऐसा ही है। तो चलिए हम बनाते हैं, कंपैरिजन करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। देखो इधर मैं लिखूंगा ट्रांसलेटरी मोशन की कहानी, इधर मैं रोटेटरी मोशन की कहानी लिखूंगा, इसे हम एनालॉगी कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन है ना, ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेशनल रहने दो है ना, इसको कह दो रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। अब आप देखिए ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन का क्या गेम है, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, पार्टिकल मूव करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, रोटेटरी मोशन या एंगुलर मोशन भी बोल सकते हो इसको, इसको आप एंगुलर मोशन भी बोल सकते हो, एंगुलर है ना। तो जो एंगुलर मोशन या रोटेटरी मोशन होता है उसमें पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज, मतलब आप ये कहिए बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, सेंटर ऑफ मास वहीं रहता है रोटेटरी मोशन में, है ना, एंगुलर मोशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन वहीं रहती है, राइट? वो अलग बात है रोलिंग वाली, वो हम बाद में बात करेंगे, उसमें तो बॉडी चेंज हो जाती है रोलिंग में, तो ठीक है। एक्चुअली रोलिंग मोशन जो होती है ना वो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए हम ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। नंबर वन हम ट्रांसलेशनल मोशन में जो बात करते हैं वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम अगर डिस्प्लेसमेंट को आप बोलना चाहें तो केवल एस बोल सकते हैं या एक्स बोल सकते हैं या डेल्टा एक्स बोल सकते हैं, राइट? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह जो होगा मतलब नंबर वन पोजीशन में एट प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा थीटा, थीटा को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और थीटा को हम लिखेंगे एस अपॉन आर, ये आपका थीटा, राइट? दूसरी बात, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है
इसको हम वी वेक्टर कह सकते हैं और आप केवल इसको वी कह सकते हो। आप सब लोग जानते हैं हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, टाइम क्यों नहीं खराब करें यहाँ पे, क्योंकि रोटेटरी मोशन वो सॉरी आपको सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाया जा चुका है, तो ये सब सर्कुलर मोशन नहीं था, है ना। यहाँ पर क्या आएगा आपका ओमेगा जो है वो आपका डी थीटा अपॉन डी टी होगा, इसको हम आपको थीटा अपॉन सॉरी थीटा अपॉन टी कह सकते हो, ओमेगा राइट, वी को आपने ओमेगा आर कह दिया, ये आपका ये हो गया। तीसरी बात जो है यहाँ पर जो पी आता है वो लीनियर मोमेंटम होता है एम वी, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम, और ये होगा आर क्रॉस पी। आप ध्यान दीजिए वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं आर क्रॉस पी राइट। अगर मैं इसका स्केलर फॉर्म में बात करूं तो मान लो आर और पी दोनों 90 डिग्री मतलब दोनों परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा आर पी साइन 91 हो जाएगा, तो फिर हम इसको आर पी लिख देंगे, आर पी लिख देंगे तो इसको हम एम वी आर इस तरह से कर देंगे, है ना। ये अब आपको फोर्थ नंबर पे बात करूंगा मैं एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन को हम कहेंगे अल्फा आर। यहां पर जो है ना अल्फा को मैं कहूंगा एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, है ना। एंगुलर एक्सीलरेशन को आप ए अपॉन आर कह सकते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन को आप ए अपॉन आर कह सकते हैं। तो देखिए मैं एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा को मैं ए अपॉन आर कह देता हूं। अब एक्चुअली पता है ये ए टेंजेंशियल है, एक्चुअली फंडामेंटली अगर हम बात करें तो ये ए टेंजेंशियल है। आपको हमने जो है ना नेट एक्सीलरेशन बताई हुई थी, सर्कुलर मोशन रिवाइज कर लो प्लीज, यहाँ पर आकर के आप सर्कुलर मोशन का एक बार रिवाइज कर लो, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को रिवाइज कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायनेमिक्स को तो आपको आना चाहिए, डायनेमिक्स और काइनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन दोनों रिवाइज कर लेनी चाहिए। फाइव नंबर हम बात करते हैं, फाइव नंबर वाली जो बात है आप अपने फॉर्मूला चार्ट को भी देखते जाइए, है ना। हाँ पहले एम था, अच्छा यहाँ पर एक चीज और है वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, है ना। यहाँ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कंपैरिजन सबसे पहले इन्होंने कर ली, कोई बात नहीं वो तो हम लास्ट में कर लेंगे। देखो एस बी पी और ए की बात आ गई है ना, हाँ हाँ लीनियर मोमेंटम की बात आ गई, करेक्ट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फोर्स की, फोर्स आप जानते हैं क्या होता है, फोर्स आपका होता है डी पी ऑन डी टी, है ना, इसको आप एम ए कह सकते हो। यहाँ पर हम फोर्स की जगह टॉर्क करेंगे और टॉर्क को पता है हम क्या लिखेंगे डीएल वेक्टर अपॉन डीटी लिखेंगे और इसको हम आई ओमेगा वेक्टर लिखेंगे, राइट, है ना। अभी मैं आपको थीटा वेक्टर अल्फा वेक्टर ओमेगा वेक्टर इन सबके डायमेंशंस डायरेक्शंस भी बताऊंगा, है ना, कि कौन कौन से डायरेक्शंस में ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप सिक्स नंबर पर यहाँ पर हम आई लिखेंगे इसको, है ना। आप यहाँ कर सकते हो एक बार अगर चाहते हो तो, यहाँ पे जो मास होगा, मास होगा और यहाँ पर क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। हाँ तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं, सबको 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम समय ज्यादा खराब ना करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, इसलिए क्योंकि उसको पढ़ाना बहुत जरूरी है, उसी से सारी ये जो है ना पूरा का पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है, बाकी तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा दम है नहीं, राइट। ये आपका आ गया टॉर्क को आप आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हो, है ना, आर क्रॉस एफ लिख सकते हो टॉर्क को। ये आपका मास आ गया, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, जहां जहां आपको मास दिखाई दे वहां वहां पे आई लिख दीजिएगा, मतलब ये बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन है, इधर का इधर रख दो बस, हां मास इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो काम यहां मास करता है वही काम वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, राइट। चलिए तो अब हम सेवन नंबर पर बात करेंगे वर्क, वर्क होता है आपका एफ एस, एफ एस एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर कर सकते हो, यहाँ पर भी वर्क आएगा, बिल्कुल आएगा वर्क, और वो रोटेशनल वर्क आएगा, इसको हम कहेंगे टो इनटू ओमेगा, ये आपका रोटेशनल वर्क आएगा। यहाँ पर आपकी एट नंबर पर पावर आएगी, पावर पता है क्या होगा, पावर आपका वर्क अपॉन टाइम होगा, इसको आप एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर कह सकते हैं, और वहां पर आप पावर को क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप इसको जो है ना, अच्छा एक मिनट ये वर्क लग देना, इसको थीटा बोलो बेटा, इसको थीटा बोलो, डिस्प्लेसमेंट आएगा ना यहाँ पर, एक नंबर यहाँ पर आपका जो पावर आएगा ना
रोटेशनल पावर, रोटेशनल पावर ये आएगा आपका टू वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। नाइन नंबर, नाइन नंबर पर आपका ये वर्क जो है इसको आप हाफ एम वी स्क्वायर भी बोल सकते हो, चलो काइनेटिक एनर्जी बोल दो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसे बस कोई खास बात नहीं है। बाकी वो जो है ना पी स्क्वायर अपॉन टू एम वो तो आप बोल ही देते हो, यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू एम, एल इज एंगुलर मोमेंटम, टू आई एल स्क्वायर अपॉन टू आई आएगा, है ना। तो ये आप देखिए आपकी ये नाइन तक आ गए। अब हम एक इंपल्स की बात कर लेते हैं, चलिए यही कर लेते हैं। यहां पर मैं कहूंगा इंपल्स, इंपल्स पता है क्या होता है, इंपल्स आपका एफ इंटू टी होता है, इसको हम डेल्टा पी कहते हैं। वहां पर एंगुलर इंपल्स आएगा, क्या आएगा, एंगुलर इंपल्स आएगा, एंगुलर इंपल्स को हम टो इंटू टी बोलेंगे और इसको डेल्टा एल बोलेंगे, है ना। आप दोनों साइड चेक करिए तो जैसे इधर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इधर लीनियर वेलोसिटी है इधर एंगुलर वेलोसिटी है, इधर लीनियर मोमेंटम है इधर एंगुलर मोमेंटम है, इधर एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन है इधर एंगुलर एक्सीलरेशन है। एक वो चीज आप ध्यान रखना टोटल एक्सीलरेशन वाली है, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको मैं थोड़ा रेड कलर से लिख दूं, टोटल एक्सीलरेशन वाली बात याद रखना भैया, नेट ए टोटल, इसको हमने कहा था ए सी स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर, ये याद रखना, भूल मत करना इसको। तो ध्यान दीजिए आप नेक्स्ट वाला, ये आपका इंपल्स आ गया। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना वो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां भी अप्लाई होती हैं, एज सच वैसे के वैसे अप्लाई होती हैं, है ना। देखिए तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको बताई थी, v इक्वल टू u प्लस et, टाइम मिला रहेंगे हम यहां पे, s इक्वल टू हमने बताया था ut प्लस हाफ et स्क्वायर, इसको हमने बताया था vt माइनस हाफ et स्क्वायर, इसको हमने बताया था v plus u divided by 2 into t, ये बताया था, और आपको फिर हमने यहाँ बताया था v square बराबर u square plus 2s, बिल्कुल ऐसी ही बातें हम यहाँ भी करेंगे, कहीं कोई अंतर नहीं पड़ेगा। omega 2 बराबर omega 1 plus alpha t लिखते हैं, दूसरा हमने लिखा theta, अब s की जगह theta आएगा, है ना, omega 1 t plus half alpha t square है, omega 2 t minus half alpha t square लिख सकते हो, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइड बाई टू इंटू थीटा लिख सकते हो, आप देख रहे हैं कोई चेंज नहीं है। नंबर थ्री जो है आपका वो है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू स्क्वायर बराबर ओमेगा वन स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, राइट। अब हम इस टॉपिक की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में मैं बात करूँ दो मिनट, हाँ वो है डायरेक्शन की, डायरेक्शन की देखिए कौन कौन से डायरेक्शन की बातें करूँगा, थीटा वेक्टर की बात करूंगा मैं, ओमेगा वेक्टर की बात करूंगा मैं, अल्फा वेक्टर की बात करूंगा मैं, एल वेक्टर की बात करूंगा मैं, टॉर्क वेक्टर की बात करूंगा मैं, चारों ये पांचों की डायरेक्शंस की बात करूंगा। ये समझ लेना डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब इसके लिए हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल की बात करेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखिए मेरा राइट हैंड ये है, अगर मान लो कोई बॉडी ऐसे घूम रही है तो मैंने अपने राइट हैंड की उंगलियां वैसे ही घुमा दी, यू टर्न योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, प्लीज टर्न फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, यू विल फाइंड डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर, यानी कि थीटा वेक्टर किधर है, प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। फिर से वापस से सुनिए, थीटा वेक्टर की डायरेक्शन। अब सवाल ये उठता है, आप कहोगे सर थीटा वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे कैसे ले लूं, ऐसे क्यों ली, एक्चुअल में उसके लिए हमारे पास में ये है कि हमें एक सिस्टम सेट करना था, हमें एक सिस्टम सेट करना था जिससे कि हम उसको डायरेक्शनल सेंस को हम अपनी मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकें, इसलिए ऐसा किया गया कि उसको जो है थीटा वेक्टर की डायरेक्शन को हमने परपेंडिकुलर टू द
प्लेन ऑफ रोटेशन लिया। तो देखिए अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो मैंने अपनी राइट हैंड थंब फिंगर्स को ऐसे कर दिया, ये ऊपर हो गया। चलिए अब आप एक काम करना, आपका रूम में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है उसका थीटा बैठक के डायरेक्शन पता करना, ऐसे आएगी क्योंकि सीलिंग फैन हमेशा ऐसे घूमेगा, तो ऐसे आती है डाउनवर्ड आती है थीटा बैठक के डायरेक्शन, राइट। ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन थीटा वेक्टर की डायरेक्शन ही होगी हमेशा, तो ये ध्यान रखना कि ओमेगा वेक्टर एंड थीटा वेक्टर सेम, हमेशा थीटा वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर सेम डायरेक्शन होगी, कभी भी डायरेक्शन अलग अलग नहीं आएगी, नेवर नेवर, थीटा वेक्टर ओमेगा वेक्टर हमेशा सेम डायरेक्शन होगा, राइट। अब बात करते हैं हम, अच्छा एक बात बताओ, थीटा वेक्टर ओमेगा वेक्टर एल वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा, तीनों को ले लो ना, थीटा वेक्टर ओमेगा वेक्टर एल वेक्टर ये सेम डायरेक्शन में, हमेशा ही सेम डायरेक्शन होगी, राइट। अब आप कहेंगे कि सर थीटा वेक्टर ओमेगा वेक्टर एल वेक्टर को तो आपने सेम डायरेक्शन कर दिया, व्हाट अबाउट अल्फा एंड टू? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं। इफ स्पीड इंक्रीजेज, इफ स्पीड इंक्रीजेज, बॉडी तेज चल रही है, देन देन अल्फा वेक्टर टॉ वेक्टर विल be same, will be same as omega vector theta vector l vector, ये बड़ी बात है। If speed increases then alpha vector tau vector will be same as omega vector theta vector l vector, अगर speed increase हो रही है अगर, तो फिर तो इन पांचों के direction से अगर speed increase, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो भैया ये और ये दोनों उल्टे हो गए, हाँ ये डेंजर है बस। अगर ये अलग ही मतलब ये है, ये दोनों इनके ऊपर मैंने लाइट लगा दिया, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो ये दोनों इन तीनों के विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे, और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो सारे सेम डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। आज की इतनी बातें काफी हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये जो डू योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं कहाँ तक 16 तक आप कंप्लीट कर लीजिए, डू योर सेल्फ के 9, 10, 11, 12, 16 तक आप कंप्लीट कर लीजिए। कल मैं एक छोटा सा बात और पढ़ूंगा, कॉन्स्टेंट्स ऑफ रिजिड बॉडी, और उसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे, उसके बाद रोलिंग मोशन पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज ये जो क्वेश्चन है ना ये कंप्लीट कर लीजिए।